मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। धर्म उसे कहते हैं जिससे किसी समाज, राष्ट्र या समग्र विश्व को धारण किया जा सकता है। धरति मानवम, समाजम, राष्ट्रम, समग्रम, विश्वम वा इति धर्मः। धरणार्थक ध्र धातु से अर्तिस्तु सुहु स्रध्रक्षी शुभाया वापदी यक्षिनी भ्योमन। इस सूत्र द्वारा कर्तर्थ में मन प्रत्यय होकर धर्म शब्द बना है। इसके अंतर्गत अपने जीवन से लेकर विश्व पर्यंत को धारण करने वाले वो सभी नियम, आचरण, कर्तव्य और संविधान आएंगे जिससे सब कुछ व्यवस्थित होता है। इहलोक से परलोक तथा मोक्ष तक प्राप्त कराने वाले सभी नियम एवं क्रियाएं भी इसके अंदर समाहित हैं। ध्रियते प्राणी भिरिति धर्मः, यहाँ मन प्रत्यय कर्म में होकर धर्म शब्द बना है, जो प्राणियों के द्वारा सुव्यवस्थित जीवन बिताने के लिए अथवा मोक्ष पर्यंत किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धारण किया जाए, उसे धर्म कहते हैं। वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद ने इसे ही धर्म कहा है। यतो भ्यु दयनिहि श्रेय सिद्धि ही स धर्मः, जिससे अभ्युदय हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। धर्म शब्द का अर्थ पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के अनुसार केवल प्रसिद्ध पूजात्मक कर्मकांड ही नहीं, अपितु पूर्वोक्त सभी नियमों, आचरणों, कर्तव्यों तथा संविधान तक को अपने में समेटे हुए है, जिसके अंतर्गत हमारे सभी सत्कर्मों एवं कर्तव्यों का समावेश है। परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति तथा मोक्ष पूर्व तक धारण अर्थात किए जाने वाले सभी कर्तव्य इसके अंदर समाहित हैं। इसलिए विश्वकोश में इसे पुण्य, न्याय, स्वभाव, आचार और यज्ञ आदि अर्थों में परिभाषित किया गया। धर्मः पुण्ये यमे न्याये स्वभावाचारयोः कृतौ। धर्म की इस व्यापक परिभाषा को न समझने वाले मूर्खों ने इसे पलायनवाद की संज्ञा तक दे डाली है। इसमें भी दो विभाग हैं, पहला सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म। सामान्य धर्म जो सबके लिए मान्य है उसे सामान्य धर्म कहा जाता है, जैसे अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी ना करना, पवित्रता और इंद्रियों का संयम, ये सभी मानवों के लिए आवश्यक धर्म है। अहिंसा सत्यम सत्येयम शौचमिंद्रिय निग्रह एतम समासिकम धर्मम चातुर्वर्ण्यय ब्रवीन मनुः। धर्म निरपेक्ष राक्षसी सरकारों ने जगह जगह बूचड़ खाने खोलकर, गोहत्या को बढ़ावा देकर, बड़े बड़े घोटालों द्वारा इस सामान्य धर्म का नाश कर दिया है। ये धर्म निरपेक्ष लोग झूठ, चोरी, व्यभिचार, दुराचार और इंद्रिय लंपटता को अपनाए हुए महाराक्षस हैं। विशेष धर्म, प्रत्येक समाज, वर्ण, राष्ट्र, इन सब का विशेष धर्म होता है। विशेष धर्म जिनके हैं वे उन्हीं को मान्य हैं, सबको नहीं, जैसे वेदाध्ययन, व्यापार, कृषि आदि। इन्हें ही शास्त्र की परिभाषा में वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। ऐसे ही सभी पार्टियों का भी विशेष धर्म है। किसी का धर्म है मुस्लिम तुष्टिकरण, कायरता और भारतीय सभ्यता तथा उसके प्रतीक चिन्हों का विनाश, तो किसी दूसरे का इसके विपरीत भारतीयता, हिंदू हितों की रक्षा करने का प्रयास। हम यहाँ केवल स्वर्ग आदि अदृष्ट फलों की प्राप्ति कराने वाले धर्म का स्वरूप लिखने नहीं बैठे हैं, अपितु गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय है कर्म नावैषी यत परम तत्कर्मम हरितोषम यत कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय है ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशः श्वेताश्वतर भक्तया लभ्यस्त्वन्नया अयम तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय उपोद्धात प्रकरण।
जैसे वचनों को भी दृष्टि में रखकर विचार कर रहे हैं कि लोग अपने कर्तव्यों को धर्म समझें और अकर्मण्यता के पुजारी ना बन जाएं। संप्रदाय सम प्र उपसर्ग पूर्वक दानार्थक दा धातु से संप्रदानम संप्रदायः ऐसी व्युत्पत्ति करके भावे सूत्र से भाव में घण प्रत्यय होकर आतो युक चुण कृतो हो से युक का आगम होने से संप्रदाय शब्द बना है जिसका अर्थ है गुरु परंपरा से प्राप्त सदुपदेश। ये संप्रदाय शब्द वेद के पर्याय के रूप में 600 ईसा पूर्व तक प्रयुक्त था। ये बात 600 ईसा पूर्व के सुप्रसिद्ध विद्वान अमर सिंह भी अपने कोश में लिखते हैं। साम्य अथाम नाय है संप्रदाय है अमर कोश। यहाँ आम नाय का अर्थ वेद है। श्रुति ही स्मृति ही वेद आम नाय अमर कोश जो सदुपदेश गुरु परंपरा से प्राप्त होते आए उन्हीं का नाम संप्रदाय आम नाय और वेद 600 ईसा पूर्व तक था। ये तथ्य कोश को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करके सिद्ध किया गया। वेदवत सम्मान प्राप्त संप्रदाय शब्द को कुछ समय से तथाकथित विद्वान बनाम मूर्खों ने विकृत प्रयोग करके ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि आज सुशिक्षित व्यक्ति आप किस संप्रदाय से हैं पूछने पर बताने में लज्जा का अनुभव करता है। इसीलिए धर्म और संप्रदाय के वास्तविक अर्थ को ना समझकर संविधान निर्माताओं तक ने जो भूल की है उसका फल आज तक संपूर्ण हिंदू समाज ही नहीं अपितु पूरा देश भुगत रहा है। और आज उसी मूर्खता को ढोते आ रहे ये गधे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष तथा हिंदुओं को सांप्रदायिक कहते हैं।